हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं मनोज खंडेलवाल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंट्रोल्स। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल की आवश्यकता क्यों है। आइए आज उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने सबसे पहले आपके सामने एक स्टोरी रखी है ताकि हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल को समझने में मदद मिले। देखिए स्टूडेंट, हमने कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम सपोज गोवा घूमने जाएंगे। गोवा इज अ प्लेस ऑफ बीचेस, तो हमने सोचा कि चलो गोवा घूमने चलते हैं। अब वहाँ पर जाएंगे तो जरूर आपकी इच्छा होगी कि गोवा पे हम बीच में सी सर्फिंग करें। सी सर्फिंग करने का जो क्रेज है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा होता है यंग पीपल में, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी यू कैन से स्किलफुल जॉब। तो हम तो किनारे पे खड़े देख रहे थे, हमें तो आता नहीं था सी सर्फिंग, बट माई फ्रेंड्स वर इंजॉइंग एंड दे वर गोइंग इनसाइड द डीप इनसाइड द सी एंड दे वर कॉलिंग मी दैट यू कम एंड जॉइन अस। बट हियर यू कैन लुक हियर, देर आई हैव रिटन सम वर्ड लाइक अपॉर्चुनिटी। तो वो बोल रहे हैं कि आप भी सर्फिंग करिए, इंजॉय कीजिए। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी, यू कैन से दिस इज अपॉर्चुनिटी इफ यू हैव कम टू गोवा एंड इफ यू आर नॉट डूइंग सी सर्फिंग देन वट इज द यूज ऑफ कमिंग टू गोवा। सो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। बट माई माइंड वट इज गोइंग ऑन दैट लाइक यार सी इतनी वेव्स आ रही है, इतनी स्ट्रांग वेव्स आ रही है, तो मुझे कहीं एक डर सता रहा है और वो डर है डूबने का। तो स्टूडेंट्स, वो डर डूबने का तभी होता है जब आप में कुछ वल्नरेबिलिटी हो। तो द प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट नो हाउ टू स्विम, स्विमिंग नहीं आती दोस्तों। जबकि हमारे दोस्तों को स्विमिंग आती है तो इसीलिए वो इंजॉय कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारी वल्नरेबिलिटी है एंड बिकॉज ऑफ दिस वल्नरेबिलिटी देर इज ए ग्रेट रिस्क दैट थ्रेट्स जो है हमारी वल्नरेबिलिटी को अटैक करेगी और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए हमारी लाइफ जो है, जो कि एसेट है, वो एट रिस्क आ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि आपको क्यों दिया होगा। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया, जब कभी भी हम इंटरनेट वर्ल्ड या ऑनलाइन जब हमारा काम करते हैं तो हम भी वेब सर्फिंग करते हैं। वेब सर्फिंग मीन्स हॉपिंग फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। सो उसमें भी बहुत रिस्क रहता है बिकॉज इंटरनेट इज अ वर्ल्ड फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड वी डोंट नो विच सोर्सेज आर रिलायबल एंड विच आर नॉट। सो देर आर हैकर्स एंड मैनी अदर लाइक स्पाइंग, तो ये सब डर बना रहता है। तो इसीलिए हमें हमारे पास वल्नरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ओके तो आइए देखें फिर हमारे पास क्या उपाय है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, तो हमने क्या उपाय किया कि चलो यार अपॉर्चुनिटी है तो इंजॉय तो करते हैं। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल एडजस्टमेंट लिए। कंट्रोल एडजस्टमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, काउंटर, यू कैन से काउंटर मेजर, ओके, टू रिड्यूस रिस्क। सो अब हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा कि साहब हम डूबे नहीं, हमें चाहे स्विमिंग नहीं आती हो, तैरना नहीं आता हो, लेकिन कैसे तैसे हम उस जो अपॉर्चुनिटी है उसको खोए नहीं और साथ ही साथ हमारी लाइफ भी सेव रहे। तो हमने लाइफ जैकेट ले लिया। सो इन दिस वे हमने कंट्रोल एडजस्टमेंट किया। लेकिन ध्यान रखें, जब कभी भी आप कंट्रोल एडजस्टमेंट करेंगे तो इट विल ऐड सम कॉस्ट टू यू। तो हमारे को एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाएगी और वो कॉस्ट होगी कि हमें लाइफ जैकेट खरीदनी पड़ेगी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल विच वॉज हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, एक काल्पनिक उदाहरण लिया था। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एक रियल एग्जाम्पल भी लेते हैं। सो यू ऑल पीपल आर अवेयर दैट इन ऑन 10th of March 2019 देर वॉज ए बिग क्रैश ऑफ इथोपियन एयरलाइंस बोइंग फ्लाइट थी 302। तो आपने देखा कि जितने भी ऑन बोर्ड मेंबर थे 157, दे ऑल गॉट किल्ड अनफॉर्चुनेटली। और 5 महीने पहले भी इसी बोइंग विमान का इंडोनेशिया में
एक क्रैश हुआ था, ओके, 610 फ्लाइट का, तो आपने देखा उसमें भी जितने भी 189 पीपल थे सभी की डेथ हो गई। तो आप देख सकते हो कि ये दो क्रैश जो हुए वो एविएशन सेक्टर में बहुत बड़े एक्सीडेंट्स के रूप में, ऐसा नहीं है कि बोइंग जो प्लेन है वो पहली बार क्रैश हुआ, उससे पहले भी हिस्ट्री में कई एक्सीडेंट्स हैं। बट व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, इमिडिएटली द वेरी नेक्स्ट डे द थिंग इज बोइंग शेयर्स डाइव, वो गिर गए 13.5%, एंड दैट वॉज द बिगेस्ट फॉल आफ्टर 9/11 अटैक ऑन US। तो आप समझ सकते हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीज कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो लूज करना पड़ा। तो ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए जो एविएशन सेक्टर होता है वो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, पूरा का पूरा रेडार सिस्टम पे चलता है, और वहाँ पे एक छोटी सी भी मिस्टेक बहुत रिस्की होती है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारा अगर मान लो रिस्क मेटेरियलाइज हो गई तो इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, ह्यूमन लॉस तो है ही, साथ ही साथ कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसकी गुडविल डैमेज हुई, और उसके बाद में ऑलमोस्ट सभी कंट्री ने अपने जो बोइंग जो थे वो ग्राउंड कर लिए, उन्होंने उनको उड़ाना बंद कर दिया। सो व्हाट वी मीन टू से हियर इज मोर द टेक्नोलॉजी मोर द कॉम्प्लेक्सिटी, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी स्टूडेंट्स उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी और रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम अगर पढ़ रहे हैं तो आज की डेट में ग्लोबल बिजनेस में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है और हम उन टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है बिजनेस की और रिस्क भी बढ़ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब हमारी ये क्लास आफ्टर स्टडिंग दिस टू एग्जाम्पल्स, ओके। चलिए स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल की शुरुआत करते हैं कंट्रोल की डेफिनेशन से। तो कंट्रोल इज डिफाइंड एज पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट आर डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड अनडिजायरेबल इवेंट्स आर प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। तो ये थी स्टूडेंट कंट्रोल की डेफिनेशन जो एज इट इज हमें याद रखनी है एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो हम इस डेफिनेशन के दो पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट ये डिस्कस कर रहा है कि कंट्रोल क्या होता है या हाउ वी इंप्लीमेंट कंट्रोल, हम कंट्रोल कैसे हासिल करते हैं, जबकि दूसरा पार्ट ये डिस्कस करता है कि हम कंट्रोल से क्या हासिल करते हैं, उसके उद्देश्य क्या है। तो पहले पार्ट में चलते हैं पॉलिसीज। पॉलिसी एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है जो मैनेजमेंट जो होता है क्या चाहता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से काम करे, डे टू डे बेसिस पर उसे कैसे मेंटेन किया जाए और किन बातों को ध्यान रखा जाए। दूसरा है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप एक्शंस होते हैं किसी भी काम को करने के, तो उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है। तीसरा है प्रैक्टिसेस। डेली लेवल पर हमें किन रूटीन्स को फॉलो करना है उन्हें हम डिस्क्राइब करते हैं। और चौथा होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बनता है एम्प्लॉयज के रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज से। तो मैनेजमेंट इन कंट्रोल्स को स्टैब्लिश करता है जो यहां पे आपने चार चीजें देखी है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट को, रीजनेबल अश्योरेंस, एक निश्चिंता प्रदान करते हैं दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, कि बिजनेस जो है वो अपने उद्देश्यों को हासिल करेगा और अनडिजायर्ड इवेंट्स किसी भी प्रकार की जो अवांछनीय घटनाएं हैं वो हम रोक पाएंगे या टाइमली डिटेक्ट कर पाएंगे और उन्हें करेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे अनडिजायर्ड इवेंट्स एक वर्ड है जो कि एक ब्रॉड वर्ड है, आप ये बोल सकते हैं इसके अंदर एरर्स आ सकती है, ओमिशंस आ सकते हैं भूल चूक, या फ्रॉड आ सकता है, पॉलिसी वॉयलेशन मैनेजमेंट की पॉलिसी का उल्लंघन आ सकता है एटसेट्रा। तो अनडिजायरेबल इवेंट्स को हमें रोकना है, टाइमली डिटेक्ट करना है और उन्हें करेक्ट करना है। तो यह थी कंट्रोल की डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं कि कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल जो होता है वो कंट्रोल्स आर काउंटर मेजर, काउंटर मेजर्स और चेक मेजर्स
which reduce risk और एक्सपोजर का मतलब पोटेंशियल लॉस से है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोल काउंटर मेजर होते हैं या चेक मेजर होते हैं, रोकथाम के उपाय होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल क्या करता है, रिड्यूस एक्सपोजर टू पोटेंशियल लॉस, यानी अगर हमारे पास कंट्रोल है तो हमें संभावित हानि जो कि हो सकती है यदि थ्रेट मेटीरियलाइज हो जाए तो उसे हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी लिख रहे हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जब कभी भी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता हो तो कंप्लीट मैनर में करे, एक्यूरेटली प्रोसेस करे, वैलिड हो, दैट मींस वैलिड का मतलब लॉफुल हो, एज पर द लॉ हो, ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन का मतलब एज पर मैनेजमेंट इंटेंट हो, एरर हैंडलिंग के उपाय हो, कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा की सीक्रेसी या प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, डेटा इंटीग्रिटी, अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन को रोका जाए, एसेट सेफगार्ड यानी आपके एसेट्स को सुरक्षित रखा जाए, रिलायबिलिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम विश्वसनीय हो, अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी का मतलब 24/7 हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल हो, इफेक्टिवनेस का अर्थ है अचीवमेंट ऑफ गोल से हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करें, एफिशिएंसी का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से है और हमें कॉस्ट सेविंग हो। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स। अगर स्टूडेंट एग्जाम में हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएं या नीड पूछी जाए तो हम ये आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन कंट्रोल्स। अब हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजी का कंट्रोल्स पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि यह प्रभाव दो तरीके से पड़ता है। पहला प्रभाव है कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्ट वर्थी पर्सनल। देखिए स्टूडेंट, ट्रस्ट वर्थी पर्सन तो हमेशा ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, तो यहाँ पे नई बात क्या है, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब है कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आईटी एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो आईटी से जुड़ी हुई रिस्क को अंडरस्टैंड करें और उनके उपायों की समझ उनको हो। तो स्किल से, आईटी के स्किल से मतलब है हमारे एम्प्लॉयज जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अच्छी समझ रखते हों। ये था पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव आप देख सकते हो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज स्टूडेंट होती है जैसे कि एक इंडिविजुअल जो है वही ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर दे, वही उसको ऑथोराइज कर दे, ऑथोराइज करने के बाद रिकॉर्डिंग का काम भी वही कर ले, अकाउंटिंग एंड देन कस्टडी ऑफ एसेट्स, एसेट्स की कस्टडी भी उसी के पास हो। अगर एक इंडिविजुअल के पास इतने ज्यादा राइट्स होंगे तो फ्रॉड होने का चांसेस होता है। तो इसका क्या उपाय है, इसका उपाय है कि हम उन ड्यूटीज को सेग्रीगेट कर दें, डिवाइड कर दें डिफरेंट एम्प्लॉयज में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यहां पे देखिए लिखा हुआ है द मेकर शुड नॉट बी चेकर, यानी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय ही मेकर और चेकर दोनों रोल में ना हो। सो कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूटी सेज दैट इंडिविजुअल एम्प्लॉयज कैन परफॉर्म ओनली द ड्यूटीज विच आर स्टिपुलेटेड फॉर देयर रेस्पेक्टिव जॉब्स एंड पोजिशंस, दैट मीन्स जो उनको काम दिया गया है उसी तक ही वो सीमित रहे। इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट करती है एरर्स को या किसी भी तरह की इररेगुलरिटीज को। तो आपने देखा कि दो प्रभाव यहां पर आते हैं। एक पहला है कि अब ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्थी पर्सनल चाहिए, दूसरा है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। और आईटी एनवायरनमेंट में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक सिंगल क्लिक से ट्रांजेक्शन जो है प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर चेक पॉइंट्स होने चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स। तो देखिए स्टूडेंट, आपकी बुक में इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स। यदि
हमारा उद्देश्य अनडिजायर्ड इवेंट्स को रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो वह प्रिवेंटिव कंट्रोल कहलाएगा। उसको डिटेक्ट करना है तो वो डिटेक्टिव कंट्रोल कहलाएगा, और उसको टाइमली करेक्ट करना है तो वो करेक्टिव कंट्रोल कहलाएगा। दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई किया गया है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल को, और वो है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स के आधार पर, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उसके आधार पर, जिसमें पहला है एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल का अर्थ होता है आईटी एनवायरमेंट से। आईटी एनवायरमेंट का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक पावर, एयर क्वालिटी, यानी वहां पे डस्ट नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, स्मोक नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह का वाटर लीकेज, यानी हमारे सर्वर रूम में वाटर नहीं एंटर करे। तो एक तरह से आईटी एनवायरमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे रिलेटेड है। सेकंड हो गया फिजिकल एक्सेस, कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो हमारे प्रिमाइसेस में, जहाँ पे सर्वर रखा हुआ है, जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ पे पॉलिसी है, हमारे प्रोसीजर है, मैनुअल्स है, उन तक नहीं पहुँच जाए। तीसरा है लॉजिकल एक्सेस, कि कोई रिमोट लोकेशन से आइदर बाई प्रोग्राम या हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अनऑथोराइज एक्सेस पाने की कोशिश करे और हमारे डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी या इंटीग्रिटी को ब्रेक ना कर दे, तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। तीसरा जो तरीका है जिसके आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया है वो है ऑडिट फंक्शंस। ऑडिट फंक्शन का मतलब कार्य आधारित। एक हो गया मैनेजमेंट का काम, मैनेजरियल फंक्शंस को कंट्रोल करना, और एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना। तो अब हम इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले हम लेंगे कंट्रोल्स क्लासिफिकेशन एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स। तो देखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स का कहने का मतलब एज पर द टाइम दे एक्ट, किस समय पर इन कंट्रोल्स को लगाया जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले है प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल किसे कहते हैं स्टूडेंट? प्रिवेंटिव कंट्रोल की डेफिनेशन है कंट्रोल्स विच प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ एरर, ओमिशंस और एनी सिक्योरिटी लैप्सेस, इंसिडेंट्स एटसेट्रा। यानी हमारा उद्देश्य जो है अनडिजायर्ड इवेंट्स को रोकना है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल आप सिक्योरिटी गार्ड ले सकते हो। सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, जो हम एटीएम के बाहर देख सकते हैं, बैंक्स में देख सकते हैं, या हमारी कंपनी में देख सकते हैं, जो जिनका रोल होता है कि किसी भी अनडिजायर्ड इवेंट को रोकना, होने ही नहीं देना। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि एक्सेस कंट्रोल भी प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है, जो अनऑथोराइज्ड एंट्री को रोकता है, जिसमें हम पासवर्ड या पिन के द्वारा हम ओनली एक्सेस प्रदान करते हैं हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज के लिए। तीसरा आप बोल सकते हो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो वायरस को आने ना दे। फायरवॉल इज अनोदर एग्जाम्पल, जो प्रिवेंटिव कंट्रोल का एग्जाम्पल है। हम फायरवॉल को भी आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है स्टूडेंट जो अनडिजायर्ड इवेंट्स को रोकने का काम करे। अब नेक्स्ट कंट्रोल है डिटेक्टिव कंट्रोल। डिटेक्टिव कंट्रोल का क्या उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स? डिटेक्टिव कंट्रोल का उद्देश्य होता है डिटेक्ट अनडिजायर्ड इवेंट्स, जैसे कि एरर, ओमिशंस या मेलिशियस एक्ट। जो हो जाती है उसको हम डिटेक्ट कर सकें जितना जल्दी हो सके, एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड रिपोर्ट करें अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट को, ताकि वो करेक्टिव एक्शन ले सके। एग्जाम्पल के तौर पर सीसीटीवी कैमरा ले सकते हो। देखिए स्टूडेंट, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का जो रोल होता है वो अनडिजायर्ड इवेंट को प्रिवेंट करना होता है, तो वो प्रिवेंटिव कंट्रोल में आता है। और सीसीटीवी कैमरा जो होता है वो अनडिजायर्ड इवेंट को रोकने का तो काम नहीं करता, लेकिन अगर अनडिजायर्ड इवेंट हो जाती है तो उसका एनालिसिस करना, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो एक तरह से सीसीटीवी कैमरा डिटेक्टिव कंट्रोल होता है। उसके अलावा जो हम इंटरनल ऑडिट करते हैं, वो ये देखने के लिए कि जो भी काम हो रहा है वो सही हो रहा है, बिजनेस में सारे अकाउंटिंग प्रॉपर है। कैश काउंट, हम कैश का मिलान करते हैं, बैंक रिकंसाइलेशन। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हैश टोटल। हैश टोटल किसे कहते हैं स्टूडेंट? हैश टोटल होता है जब जो नॉन कैलकुलेशन फील्ड होते हैं, जो नॉर्मली मैथमेटिकल फील्ड नहीं होते, जिनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाए जा सकते, जैसे कि कस्टमर अकाउंट नंबर, तो
हैश टोटल काम में लेते हैं बैच प्रोसेसिंग में, जब हम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एक साथ एंटर करते हैं, खूब सारी ट्रांजेक्शन्स को एक साथ एंटर करते हैं, तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया गया है कंप्लीट मैनर में एंड एक्यूरेट मैनर में, तो हम हैश टोटल को काम में लेते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो हो सकता है कि एमसीक्यू आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टॉपिक बन सकता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है, जिसका उद्देश्य जो होता है, इंट्रूजन को, अनऑथराइज्ड एंट्री को डिटेक्ट करना होता है और रिपोर्ट करना होता है। तो ये थे एग्जाम्पल डिटेक्टिव कंट्रोल के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है करेक्टिव कंट्रोल। तो देखिए स्टूडेंट, एक बार जब अनडिजायर्ड इवेंट को डिटेक्ट कर लिया जाता है डिटेक्टिव कंट्रोल के द्वारा, तो हमारा काम होता है उसे करेक्ट करने का एज अर्ली एज पॉसिबल। इंश्योरेंस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ करेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि इंश्योरेंस हमें तभी काम आता है जब कोई अनडिजायर्ड इवेंट हो जाए तो पोटेंशियल लॉस या एक्सपोजर को कम करने के काम आता है। उसके अलावा आप बैकअप बोल सकते हो, हम डेटा का बैकअप लेते हैं। वैसे तो डेटा कोई काम नहीं आता, लेकिन अगर अनडिजायर्ड इवेंट हो जाता है तो रिकवरी के काम आता है। अगला है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट, इसको भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ध्यान रख सकते हो। कोई भी बिजनेस चाहेगा कि अगर मान लो कोई मेजर डिजास्टर या कैटास्ट्रोफ हो जाता है, तो जितना जल्दी हम रिकवर कर सकें, अपने बिजनेस ऑपरेशन को रिज्यूम कर सकें, तो इसके लिए उसके पास एक प्लान होता है जिसे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कहा जाता है। तो ये करेक्टिव कंट्रोल के काम आता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज। तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज में सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। अभी अभी मैंने आपको बताया था एनवायरमेंटल कंट्रोल्स का मतलब है कंट्रोल्स रिलेटिंग टू आईटी एनवायरमेंट, जैसे कि पावर हो गया, ओके, इलेक्ट्रिक पावर। तो हमें कैसी पावर मिलनी चाहिए? हमारे सर्वर्स कंटिन्यूअस 24/7 काम करें, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए। तो हमारे पास यूपीएस होना चाहिए, जनरेटर्स होने चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स। हमारे जो प्रिमाइस है, जहाँ सर्वर्स और रखे हुए हैं, वायरिंग है, केबलिंग है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फायर ना लग जाए, और अगर लग जाए तो जितना जल्दी हो हम उसे डिटेक्ट कर सकें, तो स्मोक डिटेक्टर्स जो हैं वो लगे हों। फायर एक्सटिंग्विशर्स हों हमारे पास आग बुझाने के लिए। एयर कंडीशनिंग यानी कूलिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम जहाँ होंगे वहाँ हीट जनरेट हो सकती है, तो हमारे पास कूलिंग प्रॉपर हो। डीह्यूमिडिफायर्स, तो एक तरह से इन्वायरमेंट कंट्रोल जो है एक स्टेबल और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को। और अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, वो है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। देखिए स्टूडेंट, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ पे हमारा सर्वर है, जहाँ पे हमारा फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज हैं, वहाँ पर कोई अनऑथोराइज्ड व्यक्ति नहीं पहुँच जाए। तो दीज कंट्रोल्स एंश्योर्स दैट मीन्स ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन कैन ओनली एंटर इनटू द रेस्ट्रिक्टेड एरिया। तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे सिक्योरिटी गार्ड भी, अभी हमने कहा वो भी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में आता है। एक्सेस कंट्रोल डोर्स, बायोमेट्रिक डिवाइसेस आप बोल सकते हो, फिंगरप्रिंट एटसेट्रा। डोर अलार्म्स हो, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो, सिक्योर एरिया हो, फेंसिंग हो प्रॉपर, सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो, तो ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में हम ये उपाय लगाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को डिस्कस करते हैं। तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि कोई एडवर्सरी, जैसे कि हैकर, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के लॉजिकल रिसोर्सेज, जैसे कि डेटा या प्रोग्राम को अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना कर पाए। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, जिसे हम बाउंड्री कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, आपने इसे नोटिस किया होगा, जब कभी भी आप अपना जीमेल या फेसबुक अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रोसेस से पास होना पड़ता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी में हम इसे थ्री स्टेप प्रोसेस यानी कि IAA प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले
आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें आपको अपना यूजर नेम देना होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ये वेरीफाई करता है कि आपका दिया हुआ यूजर नेम रियली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके बाद में हमें ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से पास होना पड़ता है जिसमें आपको पासवर्ड देना पड़ता है और इंफॉर्मेशन सिस्टम मैच करता है कि आपका दिया गया पासवर्ड राइट है या नहीं। आजकल टू लेवल सिक्योरिटी भी होती है और इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको ओटीपी दे सकता है, वन टाइम पासवर्ड, जो आपके किसी डिवाइस जैसे कि मोबाइल या आपके ईमेल अकाउंट पर आता है, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ये इंश्योर करता है कि सब्जेक्ट जो है उसकी आइडेंटिटी सही है। अब आता है ऑथोराइजेशन प्रोसेस। ऑथोराइजेशन प्रोसेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट को राइट ऑब्जेक्ट्स के लिए एक्सेस प्रिविलेज प्रदान करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉजिकल रिसोर्सेज, जो कि आपका डेटा या प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल हमारे लॉजिकल रिसोर्सेज की सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है। अदरवाइज कोई भी हैकर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को करप्ट कर सकता है या हमारे डेटा को चेंज कर सकता है, डेटा की चोरी कर सकता है। तो ये था लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अब एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल। देखिए स्टूडेंट, हमने बोला था प्रोग्राम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एक प्रोग्राम होता है, तो उसकी सिक्योरिटी हमें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो कंट्रोल लगाए जाते हैं उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाउंड्री कंट्रोल, जिसे एक्सेस कंट्रोल ही कहते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में हमारे नेटवर्क एसेट्स जो होते हैं, यानी नेटवर्क डिवाइसेस को कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना कर ले, तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल भी लगाने पड़ेंगे। अब आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए हमें प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। देन लास्ट इज एनक्रिप्शन कंट्रोल। स्टूडेंट, आप जानते होंगे डेटा जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को ट्रांसमिट किया जाता है, तो नेटवर्क में कोई एडवर्सरी जैसे कि हैकर उसे एक्सेस कर लेगा तो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो उस डेटा को मॉडिफाई कर दे, ऐसे में डेटा की इंटीग्रिटी भी ब्रेक हो सकती है। तो हमने ये जाना कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल हमारे डेटा और प्रोग्राम की सिक्योरिटी करता है। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल हमारे डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। तो ये था स्टूडेंट लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पर हमने तीन वर्ड बोले, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी का उद्देश्य होता है टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ डेटा। किसी एडवर्सरी को डेटा ना मिल जाए, वरना डेटा की प्राइवेसी जो है वो ब्रेक हो जाएगी। इंटीग्रिटी का जो उद्देश्य होता है वो होता है टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। कोई एडवर्सरी हमारे डेटा को अनऑथोराइज तरीके से मॉडिफाई ना कर दे। और अवेलेबिलिटी का अर्थ होता है टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड विदहोल्डिंग। तो इसके अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है वो ऑथोराइज्ड यूजर को हमेशा अवेलेबल हो, अदरवाइज जो है अनऑथोराइज्ड तरीके से कोई भी डेटा को विदहोल्ड कर सकता है। जैसे कि एक अटैक होता है जिसे हम बोलते हैं डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस। कोई हैकर जो होता है सर्वर पर बहुत सारी रिक्वेस्ट डाल के सर्वर को जो है वो रोल बैक करने को मजबूर कर देता है और सर्वर अवेलेबल नहीं होता। ऐसे में आप बोल सकते हैं डेटा अवेलेबल नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, टेक्निकल एक्सपोजर। स्टूडेंट, टेक्निकल एक्सपोजर में हम वो सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिसके द्वारा अनऑथोराइज तरीके से हम डेटा या सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं डेटा डिडलिंग। तो डेटा डिडलिंग का अर्थ होता है डेटा से छेड़छाड़, मतलब अनऑथोराइज्ड तरीकों से हम डेटा को चेंज कर दें या ऑल्टर कर दें बिफोर एंट्री ऑफ द डेटा इनटू द सिस्टम, या ड्यूरिंग एंट्री और आफ्टर द डेटा इज एंटर्ड इनटू द सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये काम तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर भी कर सकता है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला साइबर क्राइम होता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर कैसे करेगा? बाय फोर्जिंग सोर्स डॉक्यूमेंट्स। आप बोल सकते हो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में चेंज करके वो ये डेटा डिडलिंग का काम कर सकता है। एंड द स्टूडेंट्स, वर्स्ट पार्ट ऑफ द डेटा डिडलिंग इज दैट इट ऑकर्स बिफोर कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन प्रोटेक्ट द डेटा। दैट मीन्स कि कंप्यूटर सिक्योरिटी काम करे इससे पहले ही इसको चेंज कर दिया जाता है। दैट मीन्स बिफोर एंटरिंग द डेटा इनटू द सिस्टम डेटा हैज बीन चेंज्ड। नेक्स्ट पॉइंट है मैलिशियस प्रोग्राम्स। मैलिशियस प्रोग्राम का अर्थ होता है बैड कोडिंग। दैट मीन्स ऐसे प्रोग्राम जो बुरे इरादों के साथ लिखे जाते हों, इनको हम शॉर्ट में मैलवेयर भी कहते हैं। दैट मीन्स मैलिशियस सॉफ्टवेयर। देखिए, मैलिशियस प्रोग्राम या मैलवेयर एक अम्ब्रेला टर्म होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं। इनको समझने के लिए हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले तो ऐसे प्रोग्राम जिनको कोई होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, और ये बैड पीस ऑफ कोड, ये जो बैड कोड है, ये आप कोई होस्ट प्रोग्राम के अंदर ये स्क्रिप्ट लिखते हो। दूसरे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो स्टैंड अलोन प्रोग्राम होते हैं, जिनको आगे बढ़ने के लिए कोई होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती। ये सेल्फ कैपेबल होते हैं आगे बढ़ने के लिए, ये अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कैटेगरी में आने वाले कौन से प्रोग्राम हैं? देखिए स्टूडेंट, वायरस हुआ या बॉम्ब या ट्रोजन हॉर्स या ट्रैपडोर, वो इस कैटेगरी में आते हैं कि उनको होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो बैड कोड होते हैं, ये तब तक आपके सिस्टम को अफेक्ट नहीं करते जब तक कि हम इस होस्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ना करें। तब तक ये डॉर्मेंट या इनएक्टिव या कहें तो निष्क्रिय ही बने रहते हैं। जबकि वॉर्म जो होता है, ये सेल्फ कैपेबल होता है, और ये सिस्टम में नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, अगर इसको वीक पोर्ट मिलता है तो ये आगे बढ़ सकता है और ये अपनी कॉपीज खुद ही बना सकता है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि वॉर्म जो होता है दैट डज नॉट नीड एनी होस्ट प्रोग्राम। अब हम इनको आगे समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया बॉम्ब। तो देखिए स्टूडेंट, बॉम्ब क्या होता है? ऐसे लगता है ना मानो कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा हो। तो आजकल स्मार्ट टेररिस्ट हो गए हैं स्टूडेंट्स, जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, पीस ऑफ बैड कोड, एक ऐसा कोड डेलिब्रेटली प्लांट कर देते हैं आपके किसी मेन प्रोग्राम में। आइदर ये काम कर सकता है कोई इनसाइडर जो कि आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, या प्रोग्राम डेवलपर कर सकता है। देखिए, ये जो बॉम्ब होते हैं, ये दो तरीके से इनका एक्शन होता है। या तो वो लॉजिक बॉम्ब होते हैं जो पर्टिकुलर इवेंट से ट्रिगर होते हैं, इवेंट बेस्ड, कोई पर्टिकुलर इवेंट घटती है तभी वो ट्रिगर होते हैं, या फिर कोई टाइम डिपेंडेंट भी हो सकते हैं जो टाइम या डेट पर एक्सप्लोड होते हैं। वैसे ये किसी अन्य फाइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और ये तभी डैमेज करते हैं जब या तो वो लॉजिक बेस्ड या टाइम बेस्ड, तो ये कहलाते हैं बॉम्ब। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं जो कि आपकी किताब में दिया गया है, क्रिसमस कार्ड। देखिए स्टूडेंट, ये फेमस एग्जाम्पल है एक ट्रोजन हॉर्स का।
ये जो ट्रोजन हॉर्स दिखाया गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको नजर आता है, और ऐसा ही होता है जब इंटरनेट पर हमें कोई इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर दिखाई देता है जिसको हम डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम में, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस सॉफ्टवेयर या उस प्रोग्राम के अंदर कोई बैड कोड डाला गया है। और जब आप उस प्रोग्राम को अपने सिस्टम में ले आते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये बैड कोड किसी रिमोट में कोई अनऑथोराइज, जिसको कि आप बोल सकते हो हैकर, आपके सिस्टम का एक्सेस प्रदान कर देता है। हालांकि आपको इसका पता नहीं चलता, लेकिन ये बैड कोड अपना काम कर देता है और फिर वो आपके सिस्टम को एक्सेस करके आपके डेटा को कॉपी कर सकता है। तो ये था स्टूडेंट क्रिसमस कार्ड, और ये घटना घटी थी आईबीएम कंपनी में इंटरनल ईमेल के द्वारा। ओके, तो ये एक फेमस इवेंट था ट्रोजन का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट वॉर्म्स। तो वॉर्म्स का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, ये स्टैंड अलोन प्रोग्राम होता है, इसको कोई होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती, ये अपने दम पर ही आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने एक प्रिंटर सा दिखाया है, तो प्रिंटर दिखाने का मतलब ये है कि ये अपनी कॉपी खुद ही कर लेता है। ओके, तो अपनी कॉपी खुद करके नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, इसको जैसे ही वीक पोर्ट मिलता है ये आगे प्रोपागेट होता है, और इससे क्या हुआ, ये नेटवर्क ट्रैफिक को बढ़ाता है। दैट मींस नेटवर्क की बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है, नेटवर्क बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है, और इससे आपके दूसरे प्रोसेस जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। इस तरह से ये पूरे नेटवर्क को अपनी चपेट में ले सकता है, तो ये कहलाता है वॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं ट्रैपडोर। देखिए स्टूडेंट, ट्रैपडोर को हम बैकडोर भी कहते हैं। बैकडोर का मतलब पीछे का दरवाजा, यानी किसी भी सिस्टम में जाने के दो दरवाजे हो गए, एक हो गया फ्रंट डोर, और फ्रंट डोर क्या होता है स्टूडेंट, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, यानी आपको प्रॉपर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान लो अपना पासवर्ड भूल गए हैं किसी प्रोग्राम में जाने का, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर आपको एक ऐसा बैकडोर भी बताता है जिसके सहारे आप बिना ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के भी जा सकते हैं, इसे ही बैकडोर कहते हैं। वैसे तो बैकडोर प्रोवाइड करने का जेन्युइन रीजन होता है जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ट्रबल शूटिंग के लिए रखता है और आपसे भी उस बात को शेयर करता है। लेकिन अगर ये बात अगर किसी एडवर्सरी को पता चल जाए, तो वो इसका यूज कर सकता है, या कहें तो मिसयूज कर सकता है आपके सिस्टम के डेटा को एक्सेस करने के लिए अनऑथोराइज तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इसका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यह काम हुआ है अनडिटेक्टेड तरीके से। आपको पता है कोई पीछे से गुप्त दरवाजे से आपके घर में आके चोरी कर जाए, तो उसका आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपने तो चौकीदार अपने फ्रंट गेट पे बिठा रखा है। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, बैकडोर कभी कभी ट्रैपडोर बन जाता है। तो ट्रैपडोर यही है, इंसर्शन ऑफ अनऑथोराइज लॉजिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं स्पूफिंग। देखिए स्टूडेंट्स, स्पूफिंग अटैक का अर्थ होता है किसी यूजर का आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेना, फोर्जिंग, और उसको बिना बताए, इस जैसे कि ये मान लो कोई रियल यूजर है, इसको बिना बताए हमने इसका एड्रेस कॉपी कर लिया, और नेटवर्क में जो भी हम बोल सकते हैं डिवाइसेज हैं उनको डिसीव करना। डिसीव करने का मतलब है उनको धोखा देना, किसी और के नाम पर गलत काम करना, यही स्पूफिंग होती है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है राउंडिंग डाउन। तो देखिए राउंडिंग डाउन किस प्रकार का अटैक होता है या किस प्रकार का फ्रॉड होता है। नॉर्मली ये काम आप देख सकते हैं बैंक के अंदर कोई एम्प्लॉई ये काम कर सकता है, जिसमें वो एक कोडिंग के द्वारा किसी डिजिट को राउंडिंग डाउन कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0.39 को 0.30 कर दिया गया है और ये 9 पैसा जो है वो अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता है। दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा कि यहाँ 4 पैसे की गड़बड़ी करके अपने खाते में उसने डाल लिया। स्टूडेंट यहाँ पे राउंडिंग डाउन को राउंडिंग ऑफ ना समझें, अदरवाइज इस 0.39 का 0.40 होता, तो ये राउंडिंग ऑफ नहीं है, ये राउंडिंग डाउन है। इससे ही मिलता जुलता एक और टेक्निक होता है जिसे सेलेमी टेक्निक कहा जाता है। और सेलेमी टेक्निक में क्या होता है, हम इसमें भी बहुत छोटा सा अमाउंट जो है हम ट्रांसफर कर लेते हैं, स्लाइस ऑफ कर लेते हैं, लेकिन इस बार आप एक डिफरेंस देखिए, ये ट्रांसफर अमाउंट जो होता है ये फिक्स होता है। अगर आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ पर आपने देखा 9 पैसा पहले वाले एग्जाम्पल में और 4 पैसा दूसरे वाले एग्जाम्पल में माइनस हुआ है। जबकि नीचे वाले जब हम सेलेमी टेक्निक की बात कर रहे हैं तो दोनों ही केस में एक फिक्स अमाउंट माइनस हुआ है, और ये डिटेक्ट कर पाना और भी डिफिकल्ट होता है। और ऑडिटर जब कभी भी बैंक ऑडिट करते हैं तो सैम्पलिंग के द्वारा इस फ्रॉड का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसिंक्रोनस अटैक्स। और स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एसिंक्रोनस अटैक क्या होता है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन को समझेंगे। तो स्टूडेंट नेटवर्क में जब दो मशीन डेटा एक्सचेंज करती है टेलीकम्युनिकेशन लाइन के द्वारा, चलिए हम यहाँ पर एक को ट्रांसमीटर बोल देते हैं और एक को रिसीवर बोल देते हैं। अगर ट्रांसमीटर की डेटा भेजने की स्पीड अगर ज्यादा है और रिसीवर स्लो है, यानी रिसीवर अगर स्लो है और ट्रांसमीटर की स्पीड फास्ट बोल देते हैं हाई स्पीड है, ऐसे में क्या होता है कि डेटा टेलीकम्युनिकेशन लाइन में वेट करता है और किसी एडवर्सरी को किसी हैकर को ये डेटा अवेलेबल हो जाता है और एक रिस्क क्रिएट होती है। इसे ही एसिंक्रोनस अटैक कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैसे एनवायरनमेंट में होता है, ये ऐसे एनवायरनमेंट में होता है जहाँ डेटा कैन बी मूव्ड एसिंक्रोनसली, दैट मीन्स देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्पीड्स, ऐसे में ये केस होता है। और दैट मीन्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्पीड्स। तो आप ये कह सकते हैं जब कभी भी डेटा वेट कर रहा हो ट्रांसमिट होने के लिए तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो सकता है, और यह अटैक ही असिंक्रोनस अटैक कहलाता है। चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं डेटा लीकेज। तो डेटा लीकेज क्या होता है स्टूडेंट, डेटा लीकेज का मतलब होता है लीकिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द कंप्यूटर बाई सर्टेन मीन्स। अब कौन से मीन्स हो सकते हैं, हो सकता है ईमेल के द्वारा किसी एम्प्लॉय ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है किसी बाहर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को भेज दिया हो, या फिर ये रिमूवेबल मीडिया यूएसबी ड्राइव सीडी डीवीडी के द्वारा वो डेटा ले लिया गया हो। इसका अर्थ ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैदा हुई थ्रेट है, चाहे प्रिंटर के द्वारा डेटा चोरी करके ले जाया गया हो, चाहे मोबाइल डिवाइस के द्वारा, तो ये कहलाता है स्टूडेंट डेटा लीकेज। अब हम पढ़ते हैं सबवर्सिव अटैक्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट सबवर्सिव का मतलब होता है अगेंस्ट द लॉ, दैट मीन्स
कोई काम जो लॉ के अगेंस्ट किया जाता है उसे हम सबवर्सिव अटैक कहते हैं, और ये भी एक अम्ब्रेला टर्म है, और इसमें बहुत सारे अटैक आते हैं। मोस्टली सबवर्सिव अटैक को हम बोल सकते हैं, या तो वो पैसिव अटैक होते हैं या एक्टिव अटैक होते हैं। पैसिव अटैक में हम केवल डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करते हैं, इंटीग्रिटी को ब्रेक नहीं करते। दैट मीन्स हम ट्रैफिक जो नेटवर्क में चल रहा है उसको कॉपी कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, किसी मैसेज को कॉपी कर सकते हैं। जबकि एक्टिव अटैक में हम मैसेज को मॉडिफाई कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, अपना मैसेज इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो एक्टिव अटैक में होते हैं। तो सबवर्सिव अटैक में क्या आता है स्टूडेंट, कोई इंट्रूडर जो होता है वो वॉयलेट कर सकता है डेटा की इंटीग्रिटी को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वायर टैपिंग। वायर टैपिंग में क्या होता है स्टूडेंट, जब कभी भी डेटा नेटवर्क में टेली कम्युनिकेशन लाइन से चलता है तो हैकर उसको अपने कंप्यूटर में ले लेता है और डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाती है। इसको आप बोल सकते हो स्पाइंग ऑन इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क। वायर टैपिंग में डेटा का मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता, दैट मीन्स ये एक तरह से पैसिव अटैक की कैटेगरी में आता है। ओके, नेक्स्ट है पिगी बैकिंग। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, पिगी बैकिंग में कोई ऑथोराइज्ड पर्सन को फॉलो किया जाता है और उसके साथ अनऑथोराइज्ड एंट्री ले ली जाती है सिक्योर डोर के द्वारा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि एक आदमी ऑथोराइज्ड है जिसके ऊपर ये अनऑथोराइज्ड एंट्री पाने वाला आदमी इस ऑथोराइज्ड आदमी के साथ इस डोर में एंटर हो जाता है। इसे स्टूडेंट पिगी बैकिंग कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे टेक्निकल एक्सपोजर्स, तो अब हम पढ़ते हैं कुछ काउंटर मेजर्स या कंट्रोल एडजस्टमेंट जिनसे हम उन टेक्निकल एक्सपोजर से बच सकें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फायरवॉल। देखिए स्टूडेंट, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक तरह से आप बोल सकते हो बाउंड्री कंट्रोल होता है। बाउंड्री कंट्रोल जो आपके पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेट नेटवर्क से अलग करता है। ओके, पब्लिक नेटवर्क कैसा होता है, अनसिक्योर्ड नेटवर्क होता है और उसमें कोई भी एडवर्सरी जैसे कि हैकर और हो सकते हैं, और प्राइवेट नेटवर्क आपका सिक्योर्ड नेटवर्क होता है। तो एक तरह से फायरवॉल जो होता है एक बाउंड्री का काम करती है, अनसिक्योर्ड नेटवर्क को सिक्योर्ड नेटवर्क से अलग करती है, और जो भी डेटा पब्लिक नेटवर्क से ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा हो उसको पहले चेक करती है, और ऐसे डेटा पैकेट्स जो एज पर द रूल्स नहीं हो उनको ब्लॉक कर देती है, और इस तरह से हमारे प्राइवेट नेटवर्क को सेफगार्ड करती है। तो यही होता है स्टूडेंट फायरवॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट एनफोर्सेस एक्सेस कंट्रोल बिटवीन टू नेटवर्क्स और इट अलाउज ओनली ऑथोराइज ट्रैफिक थ्रू इट। ओके, तो ये था फायरवॉल। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक लेते हैं एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन क्या होता है स्टूडेंट, एनक्रिप्शन होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा डेटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है सीक्रेट कोड में। आप सभी जानते हैं कि नेटवर्क में जब हम डेटा भेजते हैं तो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो सकती है, किसी हैकर को वो डेटा मिल सकता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें सेंडिंग एंड पर कि एडवर्सरी को वो डेटा मिल भी जाए तो उसके लिए अनइंटेलिजिबल हो, तो हम क्या करते हैं सेंडिंग एंड पर प्लेन टेक्स्ट मैसेज को कन्वर्ट कर देते हैं साइफर टेक्स्ट में, जिसे एनक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। रिसीविंग एंड पर हम वापस से साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसे डिक्रिप्शन बोलते हैं। इस तरह से नेटवर्क में अगर डेटा किसी थर्ड पार्टी एडवर्सरी को मिल भी जाए तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। ओके स्टूडेंट, तो ये था एनक्रिप्शन। तो आई होप आपको आज के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे।
अगर फिर भी आपके डाउट हो तो आप हमसे वो डाउट पूछिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप ये टॉपिक्स पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको कंट्रोल बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए बाय बाय।